हेलो एवरीवन वेलकम टू ने गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग सभी को क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइज वीडियो क्लियर है ऑडियो क्लियर है फटाफट बताइए मुझे था कि क्लास को स्टार्ट किया जाए और सबसे पहले जो भी स्टूडेंट अभी इस वक्त जौनपुर में है जीआईसी की जंग लड़ने जा रहे हैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से और बहुत अच्छा पेपर जाएगा आप लोगों का आज क्योंकि आज का दिन आप लोगों का है और ये मान के चलिए कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है सारा कुछ आज एग्ज़ाम में आने वाला है तो आप सभी लोग जाइए और जीआईसी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए ठीक है सारे जोग्राफ़र्स एक जगह पर इकट्ठा है आज जौनपुर उत्तर प्रदेश में क्योंकि आज है उत्तर प्रदेश जी का पेपर और पी का पेपर है काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है ये उत्तर प्रदेश में रेपूटेड जॉब मानी जाती है और मैं चाहूंगा कि आज आप लोग सफलता हासिल करें तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को शुरू करते हैं मैराथन सेशन संडे है आज कल सैटरडे था कल का क्लास अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने सारे जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं इस चैनल पे ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सारे मैंने लिंक बना दिए प्ले लिस्ट बना दिया है वो प्ले मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है अगर आप लोग को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो लिंक लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे जाते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली मिलती है ऑल दो लिंक अवेलेबल है प्ले बना दिया है मैंने वो प्ले जो आप लोग कभी भी ओपन करके कभी भी देख सकते हैं तो मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है कि चैनल में गए यहाँ पे वीडियो ढूंढ रहे हैं वहां पर मैंने सारे सेक्शन वाइज बना दिए हैं बस आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करना है और ट्वेल्व बारह लिस्ट हैं टोटल ट्वेल्व प्ले लिस्ट हैं उसको जाकर के आप देखो बस ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का मैराथन सेशन संडे है आज और आज के संडे में बहुत सारी चीज़ें खास रहने वाली है बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे ठीक है कल 25 तक हो गया था है ना इस क्वेश्चन को डिस्कशन करना चाहेंगे मैं फिर से डिस्कशन करना चाहूंगा इसमें देखो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं नॉट करेक्टली मैच का ऑप्शन नहीं था कल मैंने सोजा का बताया था मैंने इसको रीचेक किया और एक बार फिर से देखा मैंने तो एनवायरमेंटलिज्म ओ रेडोरन का है बिल्कुल करेक्ट है इन्होंने बुक लिखी थी एनवायरमेंटलिज्म नाम की और एडवर्ड सोजा का थर्ड स्पेस है जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट मॉडर्निजम्स के बारे में जा, जानकारी देने की कोशिश की है और ये भी करेक्ट है काल सौर का भी और हं, हं, हैंगर स्ट्रैंग का भी करेक्ट है तो सारे ही ऑप्शंस करेक्टली मैच हैं यानी कि ट्वेंटी फाइव का सभी ऑप्शन मैच है ठीक है तो कल जो हम लोगों ने किया था इसमें कोई भी गलत नहीं सारे करेक्टली मैच हैं चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ और कल मंडे है तो कल मंडे है तो आप लोगों को कल से सुबह दस बजे से पी सीरीज जो हमारी चल रही है अकेडमी पे वो आपको देखने को मिलेगा तेन सुबह लाइव क्लास आप कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका अवेलेबल है मंडे टू फ्राइडे होती है ये क्लासेस आज का सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर हाँ हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर करवाया जाएगा करवा दिया है ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर क्या बात कर रहे हो हो गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ वहां पर लिखा होगा लास्ट टाइम वाला ना हो गया है क्लास हु क्वाइंट द टर्म डेल्टा फॉर ट्रेंगुलर डिपोजिशन एट द माउथ ऑफ द रिवर डेल्टा के मुहाने पर त्रिकोणीय निक्षेप के लिए नदी के मुहाने पर डेल्टा शब्द किसने बनाया था चलिए फटाफट तो इसका सही आंसर होगा रोडोटस ठीक है क्वेश्चन वही है बस क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है डेल्टा का कॉन्सेप्ट किसने दिया मिस रिवर के डेल्टा का कॉन्सेप्ट किसने दिया ये सारी चीजें हेरोडोटस से ही रिलेटेड है तो कोई खास चेंज नहीं है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू है आज का वॉलपर्ट्स वर्ड्स आर ऑन वॉलपर्ट जूलियन वॉलपर्ट है ये इकोनॉमिक मैन सेटिस्फाइंग मॉडल हैज परसेप्शन मेंटल मैप किससे रिलेटेड है जूलियन वॉलपर्ट हाँ यूनिट जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है ना पूरे चैनल के वीडियोस के प्लेलिस्ट हैं आप लोग भटकते हो परेशान होते हो तो उसी परेशानी को कम करने के लिए इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आप ओपन करोगे तो वहां पर स्क्रॉल करने पे लिंक मिलेंगे ढेर सारे प्लेलिस्ट के ट्वेल्व प्लेलिस्ट हैं वन वन बाय सारे देख जाइए आप लोग बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो ये है ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट होगा मॉडल है जूलियन वॉलपर्ट का सो so बेसिकली अगर देखा जाए तो जूलियन वॉलपर्ट का सेटिसफिसिंग मॉडल है वो सेटिस्फाइंग हो गया था जिसमें हम डिसीजन मेकिंग के ऊपर एम करते हैं निर्णय क्षमता जो होती है इसके ऊपर हम एम करते हैं ठीक है इसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है कि हम इसमें किसी भी तरीके का कोई आइडिया होता है कोई प्लान होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं और फिर उसको एम करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो जूलियन वॉलपर्ट इस मॉडल के तौर पर जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं अन अकेडमी स्पेशल क्लास में भी हुआ है और यहां पर भी करवा दिया है यूट्यूब क्लास में भी करवा दिया है आप लोग को ध्यान नहीं होगा पिछले महीने के पिछले महीने करवाया था मैंने ठीक है देखना एक बार मिल जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ द इंडिविजुअल केस वॉज नॉट टिनेबल बिकॉज इट बिल्ट ऑन अजम्पन ऑफ एब्सोल्यूट स्पेस ये किसने दिया था ये स्टेटमेंट टेलर। अच्छा जो लोग हार्डसोन कर रहे हैं हार्डसोन ने एरियल डिफ्रेंशिएशन दिया था विच इज रिलेटेड टू द कोरोलॉजी और कोरोग्राफी और रीजन सही है लेकिन यहां पर देखो लिखा हुआ है वॉज नॉट इनेबल मतलब कि ये पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं था तो जब नहीं था तो हार्डसोन नहीं होंगे ठीक है तरसंगत नहीं था क्योंकि यह निरपेक्ष स्थान की धारणा या अवधारणा पर निर्मित थी तो यह स्टेटमेंट है हार्वे का ठीक है डेविड हार्वे जो कि जो कि एक ब्रिटिश स्कॉलर रहे हैं इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को दिया था जिसमें उन्होंने जो कॉन्सेप्ट में कोरोलॉजिकल साइंस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया चूंकि ये वो टाइम था जब वर्ल्ड क्या था हमारा रेडिकलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था जोग्राफिकल जो ज्योग्राफिकल जो जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें एक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा था ठीक है और हार्डसन बहुत पहले के हैं हार्वे काफी लेटेस्ट मतलब मॉडर्न जोग्राफर में कंसिडर किए जाते हैं तो सी तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फोर Which one of the following books is not authored by Mackinder? Great Britain Essays in Regional Geography, The Geographical Pivot of History, Britain and British Seas, Democratic Ideals and Reality. Ha, vikrant correct. Time and space, the hangar strength. Uh, ha ha हैगेट का चलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे हम लोग ठीक है क्योंकि आज वाली ये क्लास एक घंटे होगी बिकॉज मुझे कहीं पर निकलना है संडे को काम की वजह से ठीक है आज या कल में सी टी डब्ल्यू टी जो हुआ था ना ज्योग्राफी जे आर एफ का उसका आ जाएगा आप सभी लोग जरूर देखना मैं लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर सारे लिंक्स सारे क्लासेस का हर एक एवरीथिंग मैं शेयर करता हूँ तो ग्रेट ब्रिटेन एसेज इन रीजनल जॉग्राफी यही वाला बुक है जो इनका नहीं है बाकी सारे हैं ज्योग्राफिकल फाइवर्ट ऑफ हिस्ट्री है ब्रिटेन एंड ब्रिटिश शीज भी इन्होंने लिखा हुआ है और डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी भी लिखा हुआ है ठीक है तो ये तीनों ही बुक इनके हैं ये वाला बुक इनका नहीं है तो ये जो बुक लिखी गई है ठीक है ग्रेट ब्रिटेन ये कई सारे स्कॉलर्स ने मिलकर के लिखा हुआ है मतलब इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन है कुछ थर्टी बट्टी के अराउंड इसमें आपको स्कॉलर्स देखने को मिल जाएंगे ठीक है एलन ग्रांट ऑग ऑगिल का है ये एलन ग्रांट ऑगिल का है जो ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन का है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सही ऑप्शन था इसका ए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नो वेस्ट नो वेस्टेज ऑफ बिगनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन एंड ये स्टेटमेंट किसका है हाँ हाँ मार्कोस पढ़ लिया आपका मैसेज पढ़ लिया पढ़ लिया चलो ठीक है ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा देखो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है जेम्स हटन का कॉन्सेप्ट है ये है ना प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मेटेरिज्म यानी कि एक रूपतावाद का सिद्धांत है जेम्स हटन स्कॉटिश स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने यूनिफॉर्मेटेनिज्म एक रूपतावाद को दिया था कहते हैं कि ना आदि का पता है ना अंत का पता है कुछ नहीं है अर्थ का जो एज है उसकी हमें वो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है तो सही ऑप्शन है इसका ए जेम्स डाना का जो कॉन्सेप्ट था ना इन्होंने थियोरी दिया था जियो का और चार्ल्स लेल ने जियोलॉजी ऑफ अर्थ लिखी थी बुक और ग्रिफिट टेलर फेमस है अपने कॉन्सेप्ट के लिए कौन से कॉन्सेप्ट के लिए तो नियो डिटर्मिनिज्म गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिट टेलर का दिया हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कि 6 सिक्स चलो द कॉन्टिन्यूअस बेल्ट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रोग्रेसिव लिंकिंग नगरी जनसंख्या का एक सतत पेटी जो अनेक नगरों को उत्तर-उत्तर जोड़ती है <coughs> क्या कहलाती है क्या कहलाती है ये हाँ बहुत बढ़िया गुड 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 कॉनरबेशन इसे हम बुलाते हैं ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था नाम बताइए पढ़ाया गया है कई बार मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है जैसे कई सारे सिटीज़ आपस में कनेक्ट हो जाते हैं लाइक like दिस ठीक है जैसे मान लो ये कोई रीज़न है यहाँ पर ये एक शहर है ये एक शहर है ये एक सिटी है ये भी एक सिटी है ये भी एक सिटी है, ये एक सिटी है। अगर ये सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इन्हों को हम कोनरबेशन को कहते हैं तब ये क्या होता है ये बहुत बड़ा अर्बन एग्लोमेशन बन जाता है ऐसे ही अर्बन एग्लोमरेशन आप यूनाइटेड स्टेट के न्यू इंग्लैंड रीजन में देखते हो जहाँ पर न्यूयॉर्क से लेकर के फिलाडेल्फिया रोड आइलैंड है ना बहुत बड़े लंबे जो है वो सेटलमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे सिटीज ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया था सबसे पहले ठीक है चलिए थर्टी वन का हो गया ऑप्शन नंबर सी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हाँ भाई बताओ किसका है पेट्रिक गिडीज का है 1915 में कॉन्सेप्ट दिया था पैट्रिक गिडीज ने ठीक है सोशोलॉजिस्ट थे पैट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिल्कुल Doxiares का था वो ठीक है ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था बोस्टन यस करेक्ट द सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रोपोलिटन एज पर ट्वेंटी इलेवन सेंस इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगर कौन सा है तो देखो इंडिया का पहला सबसे बड़ा महानगर है मुंबई नंबर वन नंबर टू है दिल्ली यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा दिल्ली जो है हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही दिल्ली जो है वो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा देखो ये मेगा सिटीज है इंडिया की ठीक है मेगा सिटीज इनकी पॉपुलेशन जनरली वन मिलियन कहलाती है वन मिलियन मेगा सिटीज होते हैं दस लाख ही नगर इनको कहा जाता है और इंडिया में दस लाख ही नगरों की संख्या कुछ फिफ्टी फोर या फिफ्टी थ्री के आसपास है मिलियन सिटीज की अगर हम बात करें तो मेगा सिटीज अब देखो इसमें क्या है मेट्रोपॉलिटन में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा है एरिया यहाँ पर ग्रेटर मुंबई का जो 18.4 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट करोड़ के आसपास है वहीं दिल्ली का 1.6 यानी कि 16.3 मिलियन कोलकाता का 14 मिलियन और 8 8 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली चेन्नई की पॉपुलेशन है तो ये चार सबसे बड़े महानगर है इंडिया के जो कि ट्वेंटी सेंसस में बताया गया है डी ऑप्शन करेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री फिफ्टी फोर है अभी ओके okay, ठीक है ठीक है लार्जेस्ट हाँ, पूछा था पूरा पढ़ा करो आप लोग मैं क्वेश्चन चलो देखो क्वार्टाइल स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीवेरिएट परसेंटेज एंड मीन ये किसका किसका दिया हुआ था ये क्वेश्चन बताना है आपको हाँ इसका नहीं पता कोई नहीं मैं बता रहा हूँ चलो देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेल्सन ने दिया था नेल्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का डंकन एंड रीस का जो ऑप्शन है वो है क्वार्टाइल का ये स्टेटिस्टिकल वेरिएशन है ये सब स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट हैं जो आपके प्रैक्टिकल जोग्राफी के पार्ट हैं इसलिए पूछ लिया है ठीक है तो डरने की बात नहीं जॉन वेब एंड मैक्सवेल का कौन सा रहेगा तो इन्होंने दिया है परसेंटेज एंड मीन एंड द लास्ट वन मोजर एंड स्कॉट इन्होंने मल्टीवेरिएट ऑप्शन दिया है तो सही ऑप्शन होगा आपका ए यानी कि थर्टी थ्री का ए करेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ सकता है तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज फोर्ट माइग्रेशन विल अमंग प्रस्ट ग्रुप ऑफ कोई बात नहीं।, नहीं पता है नया क्वेश्चन है तो जान लीजिए कुछ नया ही तो सीखते हैं हम लोग क्लास में चलो जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के समूह में जब पलायन बहुत जबरन देखा जाता है फोर्सफुली देखा जाता है ठीक है तो क्या कारण होते हैं स्मॉल कल्टीवेटर्स होंगे मार्जिनलाइज एग्रीकल्चरल लेबर होंगे या लार्ज फार्म ऑनर्स होंगे या क्या करेक्ट होगा दोनों करेक्ट होगा ए एंड बी बहुत बढ़िया गुड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ज्यादातर जो छोटे किसान हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम लैंड होती है उनको हम मार्जिनलाइज्ड उनको हम स्मॉल कल्टीवेटर्स या मार्जिनल भी कहते हैं ठीक है और वो लोग जो काम करते हैं यानी कि उनके पास अपना कोई एसेट नहीं होता है उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है ना ही कोई ऐसी जॉब होती है जो परमानेंट हो फिक्स हो ठीक है ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है दे कम्स अंडर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पर काम सीजनल होता है यानी कि सीजन चेंज होते हैं वर्क चेंज होता है और ज्यादातर ऐसे ही लोग पलायन भी करते हैं छोटे किसान भी पलायन करते हैं बड़े किसान जैसे पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो बड़े हैं इनके पास फार्म लैंड्स काफी ज्यादा हैं तो थोड़े रिच फार्मर्स के कम्युनिटी में लोग आ जाते हैं तो डी ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्योंकि क्लाइमेट चेंज लिखा था ना इन्हीं लोगों के ऊपर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा हाँ, करेक्ट लार्ज फार्म होंगे तो क्यों माइग्रेट करेंगे बिल्कुल सही विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द साइलेंट फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन पिरामिड प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड की मुख्य विशेषता नहीं होगी हाई फर्टिलिटी रेट हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन चिल्ड्रेन एज ग्रुप सेकेंड एज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिस ऑफ मेल्स टू फीमेल्स जे आर एफ के बाद एस आर एफ कैसे होता है जब आप जे आर एफ हो जाओगे आपका पी एच डी में एडमिशन हो जाएगा तो आपको दो साल तक अपना रिसर्च का वर्क करना है और टाइम टू टाइम पे जो रिसर्च कमेटी होती है वो आपके वर्क प्रोग्रेस को चेक करती है इफ दे फाउंड योर वर्क इज सेटिस्फैक्ट्री कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो क्या करेंगे फिर प्रमोट करते हैं आफ्टर टू ईयर एंड विद इन दू टू ईयर आपको इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने हैं दो पेपर पब्लिश करवाना है रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है यूजीसी रजिस्टर्ड जनरल में ठीक है जनरल में उसके बाद आप हो सकते हैं एस आर एफ ठीक है सभी लोग हो जाते हैं जैसे मेरा भी हो गया है तो वैसे ही आपका भी हो सकता है ठीक है जेआरएफ टू एस आर एफ देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो गलत किया है आंसर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा असंगतता मेल और फीमेल डिस्प्रोपोर्शनट प्रोपोर्शन देखते हैं हम देखो जो पिरामिड होता है पॉपुलेशन पिरामिड की अगर हम बात करें तो सिंपली जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है पिरामिड मिस्र के पिरामिड से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट तो जब हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव ठीक है और एक स्टेबल पॉपुलेशन होती है तो जो प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन होगा इसमें अगर आप देखोगे ठीक है। अगर अगर मैं बात करूं फर्स्ट इसके मेजर थ्री स्टेज होते हैं ठीक है पॉपुलेशन मेजर थ्री स्टेज होते हैं पहला स्टेज जो होता है इसको हम स्टेशनरी कहते हैं ठीक है स्टेशनरी क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पर मेल फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का कि हाई डेथ हाई बर्थ होता है तो पॉपुलेशन क्या होती है बढ़ नहीं पाती है ठीक है लेकिन जो सेकेंड स्टेज होता है उसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं क्यों क्योंकि इसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है और तीसरे स्टेज को हम रिग्रेसिव स्टेज कहते हैं इसमें क्या होता है पॉपुलेशन में फर्टिलिटी रेट का डिक्लाइन हो जाता है और मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाती है तो जो थर्ड स्टेज है वो ज़्यादातर डेवलप्ड नेशंस में देखने को मिलते हैं सेकेंड स्टेज ज्यादातर जो प्रोग्रेसिव है वो डेवलपिंग नेशंस में और जो पहला स्टेज है स्टेशनरी वाला वो ज्यादातर एल में यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका वगैरह में आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा तो वही आपसे पूछा गया था इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जो मेल फीमेल का रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही देखने को मिलेगा ठीक है ऑलमोस्ट इक्वली देखने को मिलता है क्योंकि लोग ज्यादा सोचते नहीं है ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट होगा तो देखो ये वाला जो अपना क्लास है ये अन अकेडमी पे दस बजे होता है सुबह सुबह आप सभी लोग यहां अटेंड किया बिना प्रीवियस ईयर सॉल्व किए आप एग्जाम में जाओगे तो कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दैट्स ये क्लासेस जो है रखी गई है मंडे टू फ्राइडे सुबह दस बजे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टी सिक्स अब समय बहुत कम बचा है क्या करना चाहिए जब समय बहुत कम बचा हो तो सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए अपने समय को समय की कीमत को समझिए सिर्फ पढ़ाई करिए और कोई काम कोई दूसरी एक्टिविटी में इंगेज मत होइए ठीक है पढ़ाई करना है अगर आप चाह रहे हो तो मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आप जाइए और जितने प्ले लिस्ट हैं उनको देख डालिए दिन रात उनको देखो बस गारंटी में दे रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम में ये काफी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम भी क्लियर हो सकता है अगर अच्छे से पूरा देखा जाए तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन हु पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन ठीक है इष्टतम जनसंख्या होती है ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब जितने रिसोर्सेज उतने पॉपुलेशन जितने रिसोर्सेज उतने पॉपुलेशन सैंडर्स का नाम याद रखिए ठीक है ठीके? किसका नाम सैंडर्स का नाम याद रखिए और डाल्टन का नाम याद रखिए ये दो लोग थे जिन्होंने इसको बहुत पॉपुलर किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने पढ़ाया हुआ आप लोगों को ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया जो मैंने पीडीएफ दिया था आप लोगों को मॉडल्स एंड थियरीज के उसमें देखोगे तो मिलेगा लिखा हुआ ठीक है ना पढ़िए उसको जाकर के सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है ठीक है अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना कि कभी आपने सुना है विलियम बंगे ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिया हो पैट्रिक गेडिस ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिया हो माल्थस ने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो दिमाग भी लगा सकते थे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेट पॉइंट रूरल सेटलमेंट आर कॉमनली फाउंड आर्द्र बिंदु ग्रामीण बस्तियां सामान्यतः पाई जाती हैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को गलत है गलत है गलत है, है। ज्यादातर तो लोगों के आंसर्स गलत हैं। रॉन्ग 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 एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को दो तरीके से समझिएगा पहला है जब भी ड्राई पॉइंट पूछे तो आप किसको ढूंढोगे रिवर को मतलब सोर्स ऑफ वाटर को आप ढूंढेंगे जब भी ड्राई पॉइंट पूछे आपसे शुष्क ग्रामीण बस्तियां क्यों क्योंकि रिवर के आसपास फ्लड होने के कंडीशन ज्यादा होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं लोग कि थोड़े रिवर के ऊंचे स्थानों पर होते हैं यानी कि जो हाईलैंड होते हैं वहां पर होते हैं तो जब भी आपसे ड्राई पूछेगा तो डेजर्ट मत करना रिवर के आसपास का एरिया ढूंढना नंबर वन नंबर टू जब भी आपसे पूछे कि वेट पॉइंट सेटलमेंट्स कहां पर होंगे तब आप क्या ढूंढोगे तब आप ड्राई रीजन ढूंढना डेजर्ट को ढूंढना ऑप्शन में है क्या डेजर्ट अगर डेजर्ट है तो लोग वहीं रहेंगे क्यों क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है कि सूखा होता है ना वाटर की स्कैसिटी होती है कमी होती है पानी की तो लोग वाटर के सोर्स को ढूंढते हैं और वहीं पर रहते हैं ठीक है ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिए वेट होगा तो ड्राई रीजन ढूंढना ड्राई होगा तो वेट रीजन ढूंढना ठीक है अब ऑप्शन में देखो क्या हो जाएगा डेजर्ट सी ऑप्शन करेक्ट है इसका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट हां मतलब मैंने कहा था कि कुछ लोगों के सही होंगे ही क्योंकि ज्यादातर लोगों के गलत थे यही तो है सिलोजिज्म <laughs> कुछ के सही हैं क्योंकि कुछ के गलत हैं चलो विच कंट्री अडोप्टेड फोर इज फोर इज टू टू इज टू वन फॉर्मूला फॉर इट इन इट्स पॉपुलेशन पॉलिसी ये पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को अकेडमी प्लस में पॉपुलेशन पॉलिसी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन दोनों का पढ़ाया हुआ है और यह जो फॉर्मूला है यह किसके ऊपर किसने अडॉप्ट किया था चाइना ने ठीक है चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी है राइट चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी वन चाइल्ड पॉलिसी ठीक है इस पॉलिसी में चाइना ने क्या किया अब देखो समझाता हूं क्या लिखा है फोर इज टू टू इज टू वन ये लिखा है ना तो समझना है ऐसे फोर इज टू टू इज टू वन का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लो सबसे पहले आप सभी लोग आपको कंफ्यूज कर सकता है तो यहां पर आप देखिए तो फोर क्या हो जाएंगे फोर हो जाएंगे पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे हाउ देखो समझना ध्यान से ठीक है ये हैं आपके वन प्लस वन का कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू वन ये नंबर वन रहेगा ठीक है फोर को सबसे पहले हम समझते हैं यानी कि दो कपल है ना यानी कि एक पेरेंट्स हो जाएंगे ये क्या हो गए ये एक पेरेंट्स हो गए सिंगल पेरेंट्स ये हो गए वन फिर इसके बाद देखो सेकंड एक पेरेंट्स हो गए तो चाइना की जो दूसरी पॉलिसी थी वो फिर से क्या हो गई एक पेरेंट्स की हो गई मतलब एक बच्चों की हो गई तो इनके भी हो गए अब जब इनकी शादी होगी इन दोनों की चूंकि सिंगल चाइल्ड है ना वन प्लस वन मतलब ये एक हो और वन प्लस वन ये एक हो ये, ये कपल हो और ये कपल हो गए तो इन दोनों के ही एक एक बच्चे होंगे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण कि भाई आप दो लोग हैं तो आप एक ही बच्चे जो है वो कर सकते हैं तो यहां पर क्या हो गया इनके एक बच्चे और इनके एक बच्चे अब अगर इनको हम शादी करानी होगी तो इन दोनों की जब शादी होगी तो क्या होगा इनके भी एक ही बच्चे होंगे मतलब नेक्स्ट भी वन ही होगा तो क्या हो गया ये हो गए दो और ये हो गए दो ठीक है तो टू प्लस टू इज इक्वल टू हो गया फोर और इनके एक एक बच्चे हो गए तो यह हो गया आपका टू और इन दोनों के एक बच्चे हो गए तो इसलिए यह हो गया वन और ये पॉलिसी किसकी है चाइना की है जो अभी हाल ही में 2016 में इसने इसको वापस से ले लिया और अब चाइना थ्री चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया है उसने वन से टू किया अब टू से वो थ्री कर रहा है क्योंकि पॉपुलेशन उसकी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है और बच्चों का जो रेशियो है वो बहुत ही कम हो गया है तो बहुत ही अनूठी टाइप की इनकी जनसंख्या का जो है पॉपुलेशन का संगठन यानी कि स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो मैंने समझाया ये ठीक है दिस इज वेरी सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्टी नाइन फिफ्टीन में अनाउंस किया था सिक्सटीन में उसको वापस कर लिया था ठीक है फिफ्टीन हाँ विच for commercial लैंड रीजन ऑफ अर्जेंटीना पड़ेगा आप लोग को बता रहा हूँ <laughs> लानोज और कैंपोज कहा है अर्जेंटीना में है अच्छा बहुत पढ़ाई हो गई है तब तो जाओ पहले मुंह धुल करके आप सुबह सुबह के टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा होगा जाओ 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 उठो उठो लानोज और कैंपोज ये कहां पर पाए जाते हैं पहले मुझे ये बता दो आप फिर आगे पढ़ाऊंगा चलो चलो बताओ 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 नहीं पता चलो देखो अब मैप को देखो कभी 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 ना मैप रीडिंग भी बहुत जरूरी होता है हमेशा पढ़ने से ही नहीं होता है कुछ कुछ जोग्राफी इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है ना कि कभी आपको बोर नहीं होने देगा मतलब मेरा बस चले तो मैं सिर्फ जोग्राफी ही पढ़ूं और पढ़ाऊं और कोई सब्जेक्ट की तरफ देखूं भी ना इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है क्यों जो चीज वर्ड में ना समझ में आए वो मैप में देख करके समझा जा सकता है देखो यहां पर आप जो जिस लानोस कैंपस की बात हो रही है वो ब्राजील में पाए जाते हैं क्या है ये ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है ना लानोस कैंपोस जबकि जो ग्रांचाको चाको है ये भी कुछ ऐसा ही है लेकिन पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में ठीक है पंपास अगर देखोगे तो ये पंपास रीजन है अर्जेंटीना का राइट और ग्रांचाको चाको है यहां पर देखो ध्यान से ठीक है नॉर्थ ऑफ द अर्जेंटीना जो कि पराग्वे से बाउंड्री शेयर करता है यहां पर और इस रीजन पाए जाते हैं ग्रांच चाको अब बात समझ में आई ठीक है ध्यान रहेगा आप लोग को ब्राजील की बाउंड्री शेयर होती उरुग्वे से यहाँ पे ये उरुग्वे रहा ये परागवे रहा उरुग्वे काफी फेमस है है ना फुटबॉल टीम के लिए ब्राज़ील अर्जेंटीना भी बहुत फेमस है अर्जेंटीना का बहुत ही फेमस फुटबॉलर है ना मेसी पता ही होगा आप लोगों को क्या बताऊं मैं ग्रांच चाको डी ऑप्शन करेक्ट है सवाना कहां पर पाए जाते हैं अफ्रीका के ये आपके ट्रॉपिकल ग्रास हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन थोड़ा सा मैप पढ़ लो करो ठीक है हाँ, कैपिटल भी है मोन्टिडियो उसका करेक्ट इसको मिसको खिसको <laughs> इसको नालको बालको एच एस एल ये कहां कहां पर है ये यूनिट्स चलो क्वेश्चन नंबर फोर जीरो फोर जीरो देखो ये हो जाएगा इसको कहाँ है ये हो जाएगा बर्नपुर और नालको कहां चला जाएगा कोरापुट बालको कहाँ चला जाएगा कोरबा और राउर किला में है एच एस एल ये समझ में आया आप लोगों को इसमें इसको एक स्टील प्लांट है और इसमें नालको बालको ना, है ना एल्यूमिनियम से रिलेटेड है राइट right. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका ये इंडिया के इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है थोड़ा सा इंडियन इंडस्ट्रीज को पढ़िए इनकी लोकेशन को पढ़िए इनका जो लोकेशन है उसे पढ़िए इससे रिलेटेड जो सिटीज है उनको पढ़िए क्योंकि इससे दो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में मिनिमम दो क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन चलो एच एस एल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड सिंपल से था अब वो बदल करके राउर कोला स्टील लिमिटेड हो गया है एच एस एल से वो आर एस एल हो गया है ठीक है नांगल नाम रूप गोरखपुर नवेली आर लोकेशन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया गुड 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 क्या बात है क्या बात है केमिकल फर्टिलाइजर्स अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्यों करेक्ट हो गया सबका है ना क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट में से कई लोगों के फादर यहाँ पर वर्किंग हैं या रिलेटिव वर्किंग है तो पता है आप लोगों को ठीक है जोग्राफी यही है ना कुछ भी जैसे मतलब कुछ चीजों को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है आप सीधे उसको रिलेट कर सकते हैं प्लेस से है ना किसी भी प्लेस से आप रिलेट कर सकते हो या जो आपको प्लेस बहुत पसंद है ऐसा ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था ऐसे प्लेसेस जो हमें बहुत है ना हमें आकर्षित करते हैं किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट बताइए मुझे कमेंट करके तो केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड ये सभी के सभी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच इज नॉट इंक्लूडेड एज फिक्स्ड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निश्चित परिवहन लागत के रूप में शामिल नहीं है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टर्मिनल कॉस्ट सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्जिनल स्टाफ कॉस्ट फिक्सड ट्रांसपोर्ट में कह रहा है नहीं है मतलब लगता है लेकिन फिक्स नहीं है मतलब कभी कभी होता है वो लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ही लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं निश्चित नहीं है तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सी ऑप्शन नहीं होगा ठीक है रख रखाव लागत या सर्विसिंग नहीं होगा किसी भी ट्रांसपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट होता है उसको डेवलप करने में टर्मिनल कॉस्ट होते हैं या कहीं पर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन है किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रक्रियाएं होती हैं ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये होगा ही होगा ठीक है तो सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है वो फिक्स नहीं होगा भाई स्टाफ तो रहेगा ना ट्रांसपोर्ट में स्टाफ तो रहेगा ना बिना स्टाफ कैसे वो जो टैक्स लेते हैं टोल पे आप गाड़ियां खड़ी कर देते हो बिना टोल जैसे मैं जाता हूं तो बिना टोल के तो निकल नहीं पाता और गलती से एक्सप्रेस वे पे चले गए नेशनल हाईवे पे तो हर 25-50 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे तो आपको एक टोल मिल ही जाएगा तो वो स्टाफ से रिलेटेड है चलो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा बहुत बढ़िया अरे क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो ठीक से क्या कह रहा है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे रूट नहीं पूछ रहा है वो रूट पूछता तो रशिया होता है ना सेंट पीटर्सबर्ग से ब्लॉडी तक यानी कि पैसिफिक ओशन से लेकर के बाल्टिक सी तक है वो लॉन्गेस्ट है बट लॉन्गेस्ट नेटवर्क दुनिया का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है 2.6 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है यहां पर इंडिया में कितना है 65000 किलोमीटर जिसमें से कि 60000 50000 से ज्यादा 55 60000 के एप्रोक्सीमेटली जो ब्रिटिशर्स थे 1947 में तब तक 60000 किलोमीटर था इंडियन रेलवे रूट्स और आज तक के हिस्ट्री में इतिहास गवाह है कि हम कुछ नए रेलवे रूट्स नहीं बना पाए सिर्फ पटरियों को बदलने का काम करते हैं डबल लाइन हो रही है यह काम हो रहा है यह ठीक है और दूसरा स्थान किसका है सेकेंड पोजिशन किसकी है चलो बताओ मुझे कौन बताएगा बहुत गड़बड़ है आप लोगों का दिमाग अभी है ना 2.6 लाख चाइना 1 लाख किलोमीटर रशिया 85,000 किलोमीटर जर्मनी कुछ समथिंग 40 45 के आसपास है अगर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के बाद ई ऐड कर दूं और इंडिया डाल दूं तो इंडिया का हो जाएगा 65,000 इंडिया so, वर्ल्ड <coughs> में नंबर फोर पर है ठीक है आफ्टर यूएस चाइना रशिया इंडिया आता है जर्मनी नंबर फाइव पर आता है बट अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है दुनिया का सबसे सघन रेल नेटवर्क किस कंट्री में है यानी मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ रेलवे रूट जो है वो कहां पर पाए जाते हैं ऑप्शन में आंसर है बताइए देख करके बताइए सब लोग ये फोर ऑप्शन है इसी में आंसर है बताओ जर्मनी का है जर्मनी के पास दुनिया का सबसे डेंसीएस्ट रेलवे रूट है एक काम करो आप लोग जाकर के पढ़ो पहले रेलवे रूट्स को पढ़ो इंडिया और वर्ल्ड का दूसरा इंडिया का ट्रांसपोर्ट पढ़िए रोड रोड का इंडिया के पोर्ट्स पढ़िए ठीक है इंडिया के एयरपोर्ट्स भी पढ़िए क्योंकि ये थोड़े से अन ट्रेडिशनल क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता और आंसर गलत हो जाता है मैक्सिमम चलिए तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल रीजन सांस्कृतिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है एग्रीकल्चर लिंग्विस्टिक पेडोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल कितने लोग जौनपुर से क्लास ले रहे हैं सारे लोग वहीं इकट्ठा हैं <laughs> कौन कौन मिला ओम प्रकाश यस yes. कल्चरल रीजन कम्स अंडर एग्रीकल्चरल रीजन लिंग्विस्टिक रीजन इंडस्ट्रियल रीजन बट पेडोलॉजिकल किससे रिलेटेड है किससे रिलेटेड है मिट्टी से सॉइल से ये रीजन नेचुरल है ठीक है इसको हमने नहीं बनाया बाकी को हमने बनाया है एग्रीकल्चरल रीजन हमने बनाया भाषाई प्रदेश हमने बनाया और इंडस्ट्रियल रीजन भी हमने बनाया लेकिन ये तो प्रकृति ने बनाया सी ऑप्शन करेक्ट होगा पॉटजोल पॉटोल एक सॉइल है मिट्टी है मृदा है बताओ मुझे कहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अरे क्या मजा मिल रहा है कॉपी पेस्ट करने से नाम तो सुखचैन एजुकेशन है और सुखचैन हमारा छीन रहे हो आप क्यों इतने सारे बड़े बड़े मैसेज कर रहे हो सभी लोग हैं बहुत बढ़िया ठीक है सूरज गुड चलो कुछ लोग अलग अलग कर रहे हैं सैटरडे संडे हमारी मैराथन क्लास होती है सैटरडे और संडे को ठीक है मैराथन क्लास कितने बजे नाइन ए एम जब सुबह नौ बजेंगे तब आपको आकर के ज्वाइन करना है तो पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफाई ऑल का जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन पे वो जाकर के कर, कर देना ठीक है तभी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको वन मोर थिंग आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है इसके अलावा आप हमारे वो क्लासेस कर सकते हैं जो आज तक मैंने पढ़ाए हुए हैं जोग्राफी के ऊपर और उनका मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है ऐसे ट्वेल्व प्लेलिस्ट हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे जाइए और उन्हें एक एक करके देखिए दे विल हेल्प यू ठीक है विच इज द पाइनियर इन यूजिंग द इम्पीरिकल टेक्निक फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन ठीक है बहुत सारे लोगों का गलत होने वाला है बहुत सारे लोगों का सही होने वाला है एग्रीकल्चर रीजन के ऊपर कोई काम नहीं था हार्डसोन का डिकिंसन का और कभी जो के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं मतलब अगर मैं रहूंगा तो मैं कैसे आंसर करूंगा इस क्वेश्चन को मुझे नहीं आता मैंने नहीं पढ़ा इसको भाई जरूरी थोड़ी है कि हर चीज आपने पढ़ी ही हो राइट तब कैसे आंसर करोगे आप तब देखो कि आपने कब किसको कैसे पढ़ा है हार्डसोन क्यों फेमस है डिकिंसन क्यों फेमस है ये देखो आप इनके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है तो बचते कौन है बेकर बेकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यूनाइटेड स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे इन्होंने वर्ल्ड एग्रीकल्चरल जोग्राफी लिखी थी बुक और जाकर के फेमस हुए ठीक है तो बेकर होंगे इसका सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी सिक्स ठीक है ये जो बुक था इनका 1917 में इन्होंने लिखा था जियोग्राफी ऑफ जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर वर्ल्ड एग्रीकल्चर बुक लिखी थी इन्होंने 1917 में ये ध्यान रखना बेकर की बुक है 46 सिक्स एज पर एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ आइडियल स्टेट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लाइज इन अरस्तु के आदर्श राज्य के मॉडल के अनुसार राज्य की शक्ति किसमें निहित है नेचर ऑफ टेरिटरी एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन बिल्कुल सही डी ऑप्शन करेक्ट है देखो किसी भी स्टेट का जो रियल स्ट्रेंथ होता है वो रियल स्ट्रेंथ जैसे कोई पावरफुल अपने आप को कैसे माने बहुत बड़ा उसका एरिया हो और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जैसे दुनिया में एक बहुत ही आइडियल कंट्री माना जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों सबसे पहले उसका जो जो उसका जियो पोलिटिकल उसका एक्सटेंशन है आप देखो अगर जियो स्ट्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आइसोलेटेड है दुनिया के बहुत सारे कंट्री तक तो वहां डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते या तो सी रूट होकर जाना पड़ेगा या फिर एयर रूट होकर जाना पड़ेगा ठीक है लैंड रूट से सिर्फ नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिकन कंट्रीज उनसे जुड़े हुए हैं लेकिन इसके पास क्या है दुनिया का बहुत बड़ा एरिया है दुनिया का फोर्थ पहला रशिया है दूसरा कनाडा है तीसरा चाइना है फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया और दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पहला चाइना है वेरी सून हम बन जाएंगे किंग द वन एंड ओनली किंग बन जाएंगे हम ट्वेंटी थर्टी के आसपास नहीं थर्टी नहीं हाँ लगभग थर्टी के आसपास आज से आठ दस साल बाद हम दुनिया के नंबर वन पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे तो चाइना के बाद हम फिर हमारे बाद कौन है यूएसए लगभग थर्टी फोर थर्टी फाइव करोड़ पॉपुलेशन वहां की है इतनी पॉपुलेशन एक आइडियल पॉपुलेशन मानी जाती है जहां पर कि हम किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं यानी कि हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की तो एक आदर्श देश माना जाता है तो यही बात कही है यहां पर आरस्तु ने भी ने कि भाई आपके पास एक एरिया हो और एक पॉपुलेशन हो ताकि आप अपनी पावर को दिखा सको ठीक है चाइना भी आज वही कर रहा है यूजिंग देयर टेरिटोरियल एक्सटेंशन डी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वीडियो लाइक किया आप लोगों ने जिन लोगों ने वीडियो लाइक किया है लाइक करिए शेयर जरूर करिए इस वीडियो को दोस्तों तक ठीक है व्हाट्सएप पे दुनिया भर की चीज आप लोग शेयर करते हैं ये 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 आपके एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों को बताइए आप आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच मीनाज मतलब ये ट्राइब्स हैं स्टेट से रिलेटेड हैं मीनाज मीना मतलब मीना कम्युनिटी राजस्थान में इंडिया की मोस्ट रिचेस्ट कम्युनिटी मानी जाती है मीना ये एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है ठीक है जहां पर आपको आई ए एस भी देखने को मिलेंगे ठीक है ना आई ए एस भी देखने को मिलेंगे तो एक बहुत ही रिच कम्युनिटी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग संथाल झारखंड में है करेक्ट है बोडो वेस्ट बंगाल में नहीं है बोडो वेस्ट बंगाल में नहीं कहीं और पाए जाते हैं बताइए कहां पर पढ़ाया हुआ है और पश्चिम बंगाल की सबसे फेमस ट्राइब का नाम बताइए अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट तो जो क्वेश्चन पूछा है कॉमेंट करके बताओ फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट हाँ आईपीएस आई एस बनते हैं बिल्कुल करेक्ट है पीएचडी भी करते हैं <laughs> लैंड की डिमांड हो रही है ना इंडिया में अलग से सेपरेट आसाम, आसाम का पार्ट और जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का पार्ट है कूच बिहार दार्जिलिंग वगैरह वहां से भी ये अटैच है।, है अच्छा क्या बात है वेस्ट बंगाल में संथाल पाए जाते हैं बट टेक्निकली संथाल रुक जाओ माइक निकल गया आप लोग ये क्वेश्चन करो फोर्टी एट फॉर हिज दाउस टाइप इन इंडिया मुखर्जी साहब हैं ठीक है ए बी मुखर्जी जाने जाते हैं इंडिया में अपने हाउस सेटलमेंट्स वगैरह के लिए ठीक है अहमद घोषाल आर एल सिंह ये लोग अलग अलग हैं अलग अलग स्कॉलर्स हैं अच्छा आप लोग को ध्यान होगा गाइज है ना आप लोग को ध्यान है मैंने अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास ली थी सेटलमेंट जोग्राफी से था इंडियन जोग्राफी के ऊपर था थॉट के ऊपर जिसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था इंडिया के बहुत सारे जो फर्स्ट जनरेशन स्कॉलर सेकेंड जनरेशन स्कॉलर्स और वो किस किस डिपार्टमेंट से किस किस यूनिवर्सिटी से किस किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं अन अकेडमी पे वो क्लास मैंने फ्री ली हुई है स्पेशल क्लासेस में और आप जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे ना तो वहां पर उसका लिंक मिलेगा मेरे प्रोफाइल का और मेरे प्रोफाइल पर जाओगे अनकैडमी पे वहां पर आपको मिल जाएगा जाइए यहां पे बहुत सारे वीडियोस हैं फ्री हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है ए ऑप्शन करेक्ट होगा आर एल सिंह बहुत ही फेमस हैं अर्बन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ए अहमद फेमस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 49. <laughs> बैंक की पोस्ट भी ले जाते हैं भाई बहुत शिकायत है मीना कम्युनिटी से लोगों को <laughs> पढ़ाई करते हैं लोग आप भी पढ़ाई करो आप भी ले जाओ ठीक है पाइंड पिलग्रिमेज सेंटर आउट ऑफ द फॉलोइंग विषम तीर्थस्थल बताइए कौन सा है देवघर झारखंड में है ना शिवजी के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है बहुत ही फेमस है ठीक है सेंट्रल ईस्ट इंडिया का सबसे बहुत ही फेमस काशी वाराणसी चलो अपना रीजन भी आ गया बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ पुष्कर पुष्कर फेमस है राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर फेमस है ब्रह्मा जी मतलब सबसे फर्स्ट लॉर्ड माने जाते हैं अगर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है ठीक है मतलब उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनका दुनिया में एकमात्र मंदिर राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में है जहाँ पर पुष्कर कुंड भी है यहाँ पर इनकी पूजा नहीं की जाती है तो ये कोई खास तीर्थ स्थल नहीं है हालांकि लोग जाते हैं मैं भी गया हूँ लेकिन ये है कि कोई खास तीर्थ स्थल नहीं है और वहीं सबसे लास्ट उज्जैन है उज्जैन भी शिव जी के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है थोड़ा सा पैटर्न से हट करके पूछा गया क्वेश्चन है कल्चरल ज्योग्राफी से ठीक है तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा बाकी सभी सही मैच हो रहे हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पंच तत्व पंच धातु के वहां पर मिलते हैं बहुत सारे ब्रह्मा जी के पुष्कर में वहाँ पे पंच धातु से बने हुए बहुत सारे आपको मूर्तियाँ मिलेंगी खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन खासियत ये होती है कि पंच तत्व से बने हुए पंच धातु से बने हुए जो भी आप कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करते हो ना वो जल्दी ख़राब नहीं होते जंग नहीं लगता जल्दी उनमें एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा वेट करो इस मंथ का अभी कम से कम दस दिन और वेट करिए एक हफ्ते पहले तक वो रिलीज करेंगे ठीक है अभी गहन मंथन मंथन और विचार चल रहा है रीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन कल्चरल कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस गलतियां करोगे मुझे पता है मुझे पता है मैं जानता हूं क्यों जानता हूं क्योंकि मैं आपका टीचर हूं इसलिए जानता हूं देखो साफ साफ शब्दों में लिखा है ओरिएंटल यू नो ओरिएंटल रिम कौन सा है अगर आप लोग को ध्यान हो तो वर्ल्ड बायोजियोग्राफिकल रीजन में आता है ओरिएंटल और ये मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं और इसमें डोमेन कौन सा आता है साउथ ईस्ट एशिया लिख लो कहीं पर नोट कर लो क्योंकि दिमाग में तो भूल जाता है आप लोगों के साउथ ईस्ट एशिया में आता है ये जिसमें ज्यादातर सार्क कंट्रीज आते हैं और ईस्ट एशिया भी इसमें आ जाएगा जो हिंदुइज्म है ये साउथ एशिया डोमेन में आता है इंडिया में आता है और इंडिया साउथ एशिया में आता है और ओरिएंटल और पूरी तरीके से आता है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में तो कन्फ्यूसियस हो गया या फिर ताविज्म हो गया बुद्धिज्म हो गया ये सब उसमें हमारे कंट्री में पॉप शुरुआत तो बुद्धिज्म की इंडिया से ही होती है लेकिन हमारे कंट्री में बहुत कम पॉपुलर है बुद्धिज्म सबसे ज्यादा पॉपुलर पौप, जो रिलीजन है हमारे कंट्री में वो है ठीक है और सबसे बड़ी मेजोरिटी की है हमारी ठीक है है लेकिन ये जो है, ये जो बुद्धिज्म शुरुआत तो इंडिया से हुआ लेकिन फैल गया पूरे साउथ ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया में और श्रीलंका वगैरह में भी है ये तो ये तीनों आ जाएंगे ओरिएंटल से ये आएगा आपका साउथ इंडियन डोमेन से आएगा ये ठीक है तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे बताइए मुझे और कितना आप लोगों को इससे हेल्प मिला आज क्या नया कुछ सीखा आज का क्लास यहीं तक ठीक है आज का क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे कोई भी वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगा और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना सैटरडे संडे को क्लासेस हमारी आज मैराथन होती है सुबह नौ बजे से बाकी अन अकेडमी पे डेली मैं क्लास लेता हूँ फ्री सुबह दस बजे से ठीक है डेली होता है एक्सेप्ट सैटरडे संडे क्यों क्योंकि सैटरडे संडे को हम यहां पर क्लास करते हैं और यहां पर भी डेली क्लासेस होती रहती हैं तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं कल फिर कल फिर डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चन को पेपर वन की सीरीज शुरू करने वाला हूँ यहां पर मैं पेपर वन के कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम ताकि आपका पेपर वन भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो सके क्योंकि ज्योग्राफी तो आप पढ़ ही रहे हो बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं तो पेपर वन भी करेंगे और बीच बीच में ज्योग्राफी भी करते रहेंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच एवरी वन वीडियो पसंद आयो तो शेयर जरूर करिएगा लाइक जरूर करिएगा बाकी मैंने कंप्लीट प्ले लिस्ट बना दिया है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे आराम से उसको कॉपी कर लीजिए ठीक है और कॉपी करके उस लिंक को रख लो अपने पास और जब मन कर तब उसे देखो आप क्योंकि बहुत ही सिस्टमैटिकली मैंने वीडियोस वहां पर बना रखे हैं आपको हर एक टॉपिक यूनिट वाइज उसमें देखने को मिल जाएंगे ठीक है चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहो रिविजन करते रहो ठीक है बहुत समय ज्यादा नहीं रहेगा आपके पास कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है और अगर आप कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो अन अकेडमी पे आइए अन अकेडमी पे मैं प्लस क्लासेस पढ़ाता हूँ कंप्लीट सेक्शन शॉर्ट आउट खत्म है ना यानी कि पूरी तरीके से सारा सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा और बाकी कोई भी क्वेरी है कोई सजेशन है आपका तो वीडियो में जरूर बताया करिए ये आपका ही चैनल है कोई भी सजेशन आपको लगता है जो हम यहां पर शुरू कर सकते हैं आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन मिलते हैं कल फिर से नौ बजे टिल देन टेक केयर बाय